नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो के डिले के लिए पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन अब ये वीडियो आ गया है और आप लोग अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फेस में जो बाउंड्रीज हमें करनी है वो हल्का हल्का कलर से हम उसकी बाउंड्री कर लेंगे। जो भी कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि मैंने कौन कौन से कलर यहाँ पर यूज़ किए हैं, क्योंकि एक बेसिक बाउंड्री हमें पहले ज़रूर करनी पड़ती है, उसके बाद हम शेडिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो कलर्स यूज़ कर रही हूँ वो मैं ऑयल्स कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, और मैं कुछ जगह पर एक्रेलिक कलर भी यूज़ करूँगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कहाँ पर मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है। तो ये मैंने ब्लू ऑयल कलर यूज़ किया है, और इसमें शेडिंग के लिए हम बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपसे पहली वीडियोज़ हैं इसके कई पार्ट आ चुके हैं। जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके प्लीज़ और जो सारे पार्ट हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे हमने इस रिलीफ पेंटिंग को बनाया है, कितने लेयर्स हमने ली हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन थोड़ा इसमें लेट हो गई ये वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरी पेंटिंग में ही कुछ दिक्कत आ गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। अब मैंने इसको दोबारा इस पर काम किया और तब मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो चलिए, जो शेडिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पर, हमें सिर्फ फोक हेयर वाले जो ब्रश होते हैं, आप शॉप से जब ब्रश लेंगे इस पेंटिंग के लिए, तो यहाँ पर आपको फोक हेयर का ही यूज़ करना है, और कोई ब्रश इसमें काम नहीं करते इतने अच्छे से, बल्कि इसमें पेंटिंग में काम करते करते ब्रश घिस के ख़त्म हो जाते हैं। आप एक या दो पेंटिंग ही बना पाएंगे, क्योंकि ये जो ब्रश घिस जाते हैं, हम इसमें ऑयल यूज़ नहीं करते इसलिए घिस के ख़त्म होते हैं, लेकिन इसमें जो शेडिंग का इफ़ेक्ट आता है वो भी इसी वजह से आता है और बहुत ही प्यारा आता है। तो यहाँ पर जो हम कलर्स और शेड देंगे वो बिना कलर के ही दे रहे हैं, और पूरी पेंटिंग में इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए, शेडिंग वर्क यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इसी कलर को डार्क लेके और आईज़ यहाँ पर तैयार करेंगे, और इसमें मैंने 7 लेयर्स की हैं पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। आपको ये अगर पेंटिंग बनानी है तो पहली बात तो कि ये हमारा लास्ट वीडियो है इस पेंटिंग का, और पहले पार्ट आप इसके देखे बिना नहीं बना पाओगे। ये पूरा कोनिंग वर्क है स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर हमने कितने लेयर ली है, क्योंकि हर जगह इक्वल लेयर नहीं चलती है। और ये मैं जो शेडिंग दे रही हूँ वो मैं वाइट कलर से दे रही हूँ, और ये मैंने लिया है रेड कलर। तो थोड़ा फेस यहाँ पर थोड़ा पिंक होता है ना, तो ये पिंक के शेड हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे, लेकिन अलग बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। बच्चे का फेस थोड़ा होता ही इस तरीके से है, तो ये हैं भी हमारे बालकृष्ण ही, और अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ, आपके घर लड्डू गोपाल जी सुख समृद्धि लेकर आएँ। और ये मैंने लिया है येलो कलर, तो यहाँ पर अभी एक कलर करके मैं छोड़ दूँगी। अगर आप यहाँ पर शेडिंग करना चाहें तो शेडिंग भी कर सकते हैं, और ये बॉडी कलर के लिए मैंने ब्लू और वाइट कलर को लिया है। जैसा हमने फेस पे किया वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो शेडिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। और इसमें हमने पूरी पेंटिंग के ऊपर पहले वार्निश किया था, तो वैसे ही आप वार्निश करना और उसके बाद कलर करना। पहली वीडियो देख के आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा किस लिए बोल रही हूँ। बालों के लिए यूज़ करेंगे हम ब्राउन कलर का, और पूरा हमने देखिए ये भी बिना ऑयल के ही अच्छे से फिल कर लेना है। आप इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 4 और 5 नंबर तक आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, और आपको कलर करने के बाद इस तरह से जो हमने लेयर्स की हैं उनको निकाल कर लाना है। इसमें हल्का सा आपके पास तारपीन ऑयल हो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर तारपीन ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर थिनर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ता थिनर आ जाता है।
एक लीटर की बोतल, क्योंकि मुझे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है, तो 225 रुपए की एक लीटर की बोतल जो घरों में पेंट करते टाइम यूज़ करते हैं वही वाला थिनर मैं यूज़ करती हूँ। मैं स्पेशल जो 50 या 100 ml की बोतल आती है वो मैं नहीं लेती, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप ये कोई भी पेंट शॉप से जाकर, एशियन पेंट की शॉप पर जाकर थिनर की बोतल ले सकते हैं। एक लीटर की 200 रुपए की आ जाती है। तो कॉटन के कपड़े को आपने हमेशा पास रखना है, जहाँ पर हमारी ज़्यादा लेयर हैं उसके ऊपर से जो हमने कलर निकालना है, जैसे हमने अभी बालों में से निकाला, तो कॉटन के कपड़े को थिनर में हल्का सा लगाना है और हल्के हल्के कलर को निकाल देना है, तो उससे जो हमारा काम है रिलीफ का वो अच्छे से निकल कर आएगा। ज़्यादा शेड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पर्दों में हमने येलो और सैफ्रन कलर का यूज़ किया है। शेडिंग वर्क आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मटके में भी मैं अभी यहाँ पर कई सारे कलर यूज़ करूँगी, एक सिंपल कलर में यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कलर्ड वाला मटका ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं भी इसको मल्टी कलर में ही बनाऊँगी। आप एक कलर का भी बना सकते हैं, वो अपनी अपनी पसंद होती है कि आपको किस तरह की चीज़ पसंद है। एक कलर में भी सुंदर लगेगा, क्योंकि ये लेयर्स जो हमने की हैं वो हमने जैसे कॉटन के कपड़े से मैंने अभी आपको बताया है उसी तरीके से निकाल कर लानी है। जब हम कलर करते हैं तो उतना क्लियर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब हम कलर को साफ करते हैं तो उस टाइम सारी चीज़ें अच्छे से निकल कर आती हैं। तो ये देखिए, मैंने थिनर में कपड़े को भिगोया, और आपको कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करना है इसके लिए स्पेशली, और कोई कपड़े से अच्छा काम नहीं होता। मैंने सिर्फ एक उंगली को डिप किया और उसी से मैंने काम किया। और अभी मैं जो कर रही हूँ कलर वो है एक्रिलिक कलर, क्योंकि मैं यहाँ पर गोल्डन कलर करने वाली हूँ। तो जितनी भी ज्वेलरी है या जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें गोल्डन कलर करना है, तो वहाँ पर हम पहले येलो कलर को करके छोड़ देंगे। धोती में मैंने सिंपल रेड कलर कर दिया है, और जितनी भी ज्वेलरी है उसमें जब हम कलर करेंगे तो सबसे पहले येलो कलर करने के बाद उसके ऊपर गोल्डन एक्रेलिक कलर करेंगे, तो सारी ज्वेलरी अच्छे से निकल कर आएंगी। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट गोल्डन कलर करते हैं तो उसकी हमें कई कोट करने पड़ते हैं, उससे फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि कई कोट करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और ये प्लेन जगह नहीं है। तो यहाँ पर इस पेंटिंग में आप पहले येलो कलर कर दो और उसके ऊपर आप कर दो गोल्डन कलर। और मैं यहाँ पर कलर की बहुत ज़्यादा खिचपिच नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा ग्रीन और येलो कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, फिर से मैंने कॉटन के कपड़े के साथ पूरे डिज़ाइन को निकाल दिया, और ये वाइट जो नज़र आता है इससे ही इस पेंटिंग की लुक आती है ना। तो अभी मैंने ले लिया है गोल्डन कलर, और गोल्डन कलर को जितना भी येलो हमारा पार्ट है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ताकि सारी चीज़ें गोल्डन नज़र आए। यहाँ दुपट्टे के लिए भी मैं येलो और ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। ये बांसुरी को कर दिया है मैंने ब्राउन कलर। अब मोर पंख के लिए मैंने यहाँ पर सेप ग्रीन कलर यूज़ किया है, और पूरा अच्छे से फिल करना है, और ध्यान रखना है जो हमने गोल्डन वर्क किया है वो भी ख़राब ना हो। तो ये एक ब्रश देखिए, अब तक मैं मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है, अब मैंने दूसरा ब्रश ले लिया है।
और कॉटन का इसी तरीके से यूज़ करना है। और ये भी मैं देखिए वाइडन ग्रीन कलर ले रही हूँ और वाइट कलर ले रही हूँ, उससे मैं बैकग्राउंड को तैयार कर रही हूँ। तो आप बताइए कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। तो ये वाइट के साथ हम शेड दे देंगे, साइड में थोड़ा थोड़ा डार्क रहेगा, पहले ग्रीन को कर देंगे और उसके बाद ले लेंगे हम वाइट कलर। आप कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, जो आप कलर यूज़ करना चाहें। तो पूरा बैकग्राउंड हम इसी तरीके से तैयार कर देंगे। अब ये जो माखन की मटकी है, तो इसमें ये माखन नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हम इसको वाइट कलर से तैयार कर देंगे। और जो अंदर रही, हम इसको रही बोलते हैं, जो लगी हुई है जिससे माखन निकलता है, दूध को बिलाया जाता है, तो ये भी हमने ब्राउन कलर की है। और जो भी शेड हैं वो सारी आप चेक कर लेना कि कौन कौन से कलर मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर ऊपर के डिज़ाइन को भी किसी भी कलर से आप ले सकते हैं। आप यहाँ अगर ब्लू या ब्राउन, लेकिन ब्राउन मेरा मटका था तो मैंने सोचा थोड़ा सा अलग कलर यहाँ पे करूँ, तो मैंने ब्राउन को यूज़ नहीं किया। तो ये तैयार करने के बाद ये बाहर की बाउंड्री पर आ जाते हैं और यहाँ पर अच्छे से कलर को फिल करते हैं। और अब ये पूरा डिज़ाइन देखिए इसी तरीके से निकल कर आ गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हल्का सा सिर्फ थिनर का यूज़ करना है, वो पूरे डिज़ाइन को निकाल कर लाना है। और अब ये मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया, क्योंकि बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा काम था, ये मैंने एक दो जगह जैसे एक्रेलिक का बताया, तो ये मैंने एक्रेलिक किया है अंदर के पार्ट को कम्प्लीट करने के लिए, ताकि जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। तो ये ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये कलर्स का मैंने इस्तेमाल करके मोर पंख को भी जल्दी से तैयार कर दिया है। और ये हमारे कृष्णा जी की पेंटिंग हो गई है तैयार। इसको रिलीफ पेंटिंग बोलते हैं, लेयर वर्क भी बोलते हैं। तो आप अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन बना रहे हैं और किस किस का काम बीच में अटका हुआ है। तो अब फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और अपनी पेंटिंग को मेरे साथ शेयर कीजिए। तो इसी तरीके से अब जो भी पेंटिंग मैं लेकर आऊँ उसको साथ के साथ हम कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ नया मैं लेकर आने वाली हूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए फटाफट से मिलते हैं दूसरे आने वाले नए क्राफ्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।